हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी फिल्म और म्यूज़िक वीडियो पे काम कर रहे हो और अगर आपको एक करेक्टर इंट्रोडक्शन बनाना है तो आप कुछ इस तरह का इंट्रोडक्शन बना सकते हो। आइए शुरू करते हैं। लास्ट ईयर मैं और अनिल ऋषिकेश गए थे घूमने, तो वहाँ पे एक हमने ये वीडियो बनाया था। तो इस वीडियो में जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर मैं चाहता हूँ कि ये अनिल है यहाँ पर फ्रीज़ हो जाए, और फ्रीज होते ही जो टाइटल है, जो अनिल का नेम एस्टन आएगा, वो पॉपअप हो तो सबसे पहले क्लिप को यहाँ पर कट कर लीजिए। मैंने इसे कीबोर्ड शॉर्टकट से कट किया है, जो कि है Ctrl+K और मैक में चलेगा Command-K। अब टूल्स में जाके रिजर टूल से भी जो है कट लगा सकते हैं। अब जो आपकी आगे की क्लिप है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद फ्रेम होल्ड ऑप्शन में जाएंगे। फ्रेम होल्ड ऑप्शन में जाकर जो है इन पॉइंट पे ओके करेंगे। अब जो आपकी रेस्ट क्लिप बची हुई है, ये जो है फ्रीज हो गई। अब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए। अब ये जो डुप्लीकेट कॉपी बनी है, इसमें जो ये अनिल नज़र आ रहा है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसे हमें कट करना होगा, यानी कि इसकी हमें मास्किंग करनी होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल्स में, उसमें ओपेसिटी में जाकर मास्क बनाएंगे। मास्क के लिए हम जाएंगे पेन टूल पे। अब जो ये विंडो है, प्रीव्यू विंडो, इसे मैं थोड़ा जूम कर लूँगा, और ताकि मुझे इसे जो है इसकी कटिंग करने में आसानी हो, थोड़ा और जूम करूँगा। अब इसकी मैं कटिंग स्टार्ट कर दी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये मास्किंग है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब ये मास्किंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई। इसको जो फैदर है उसकी वैल्यू मैं 3 कर दूंगा। ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब ये जो बॉटम क्लिप है, इसे मैं डिसेबल करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अनिल जो है अच्छी तरह से पूरी कटिंग हो चुकी है इसकी। अब जो ये टॉप वाली क्लिप है, इसे मुझे नेस्ट करना पड़ेगा, और इसका मैं नाम दे देता हूँ अनिल। अब इसके बाद मुझे जो ये पूरा हमारा करेक्टर है, इसे स्ट्रोक देनी पड़ेगी। तो स्ट्रोक देने के लिए मुझे सबसे पहले जाना है इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाऊँगा, इफेक्ट्स में जाकर पेंट बकेट इफेक्ट्स जो है इसमें ऐड करूँगा। अब इफेक्ट्स कंट्रोल्स में जाइएगा, इफेक्ट्स कंट्रोल्स में जाकर पेंट बकेट, जो पेंट बकेट है उसमें स्ट्रोक में जाएंगे, जो स्ट्रोक सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं स्ट्रोक पूरी तरह से नहीं बनी है, तो इसे फिक्स करने के लिए मैं जाऊँगा टॉलरेंस में। टॉलरेंस में जाने के बाद इसकी जो टॉलरेंस की वैल्यू है, इसको थोड़ा सा कम करेंगे। ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब मुझे इसका जो कलर है, इसका वो वाइट कलर दूंगा मैं। इसे वाइट कलर देने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ जो है थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। अब जो बॉटम में क्लिप है, उसे मैं ऑन कर देता हूँ। एक बार हम इसे देख लेते हैं। अब जो बैकग्राउंड है, उसे मैं थोड़ा डार्क करना चाहूँगा, ताकि जो हमारा सब्जेक्ट है क्लियर हो सके। तो उसके लिए मैं जाऊँगा विंडो में, वर्कस्पेस में, और कलर पैनल में जाऊँगा। तो कलर पैनल में जाने पर उसमें बेसिक करेक्शन में जाऊँगा। बेसिक करेक्शन में जाकर इसका जो एक्सपोजर वैल्यू है, उसको मैं थोड़ा कम करूँगा। इसके बाद मैं इसकी जो सेचुरेशन है, उसको भी थोड़ा, उसकी वैल्यू को कम करूँगा। अब आप देखिए जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो चुकी है। अब मुझे इसमें एक टाइटल देना है। टाइटल देने के लिए मैं सबसे पहले फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाके मैं न्यू में जाऊँगा, लीगेसी टाइटल में जाऊँगा, और टाइटल का नेम मैं दे दूंगा अनिल। टाइटल एनिमेशन का ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ,
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उसमें अच्छी तरह से जो है टाइटल एनिमेशन सीख सकेंगे। अरे मार, अभी मैं इसे थोड़ी फास्ट में करूँगा। मेरी टॉप की क्लिप है, उसे मैं ऊपर उठाऊंगा। हाँ, और ये मैंने टाइटल मिडल में रख दिया। और एक बार चेक कर लेते हैं, ये अब मुझे क्या है, मुझे जो है अपने करेक्टर को थोड़ा एनिमेट करना पड़ेगा। जो इसकी स्केल है उसे मैं बढ़ाऊंगा, उसको की फ्रेमिंग करूंगा, एकदम से आ रही है। तो इसके लिए मुझे इसे स्मूथ करने के लिए क्या है, थोड़ी सी एनिमेशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसकी स्केल को एनिमेशन दूंगा। उसके लिए मैं सबसे पहले स्केल पे की फ्रेमिंग करूंगा। इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाकर, मोशन में जाकर मैं स्केल पर की फ्रेम लगाऊँगा। थोड़ा आगे जाकर मैं इसकी स्केल को जो है थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। इतना काफ़ी रहेगा। अब आप देख रहे हो काफ़ी स्मूथ एनिमेशन बन गई है। अब हम टाइटल को भी एनिमेशन देंगे, और उससे पहले मैं इसे थोड़ी सी शेडो दूंगा। लेगेसी टाइटल जो है हमारा, उसकी विंडो को ओपन किया है मैंने, और इसे मैं शेडो दे दूंगा। इसके लिए मैं थोड़ी सी इसकी शेडो की जो प्रॉपर्टीज़, उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कैसा अच्छा लगता है आप उस तरह से इसकी जो प्रॉपर्टीज रख सकते हैं। अब मुझे एनिमेशन करनी है। एनिमेशन करने के लिए मैं इसे जो एनिमेशन दूंगा वो दूंगा राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले मैं जाऊंगा इफेक्ट्स में, उसमें जाऊंगा ट्रांसफॉर्म। ये जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है इसे मैं अपने टाइटल में लगाऊंगा। अब जाऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल पे, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाकर मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, उसमें मैं पोजीशन जो है उसको की फ्रेमिंग करूंगा। सबसे पहले मैं पोजीशन में जाऊंगा, पोजीशन को मैं राइट साइड ले जाऊंगा। राइट साइड ले जाकर आउट ऑफ द फ्रेम मैं इसमें की लगाऊंगा, और कुछ फ्रेम आगे जाकर जहां तक ठीक लगे मैं इसे रिसेट वैल्यूज़ की जो कर दूंगा। ये हमारी एनिमेशन हो गई है। अब इसे थोड़ा सा इसमें मोशन ब्लर लाने के लिए मैं इसे अनटिक करूंगा, यूज़ कंपोजिशन शटर एंगल, और मैं शटर एंगल दूंगा 180। अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मोशन ब्लर जो है वो ऐड हो चुका है। अब मैं इसे स्मूथ करने के लिए जो हमारी पोजीशन जो उसका लास्ट की फ्रेम है उसे मैं राइट क्लिक करूंगा, उसमें जाऊंगा इंटरपोलेशन में, और मैं उसे ईज इन करूँगा। याद रखिएगा जो हमारा लास्ट की फ्रेम है उसमें हमेशा ईज इन करेंगे, स्मूथली जो है आपके रुकेगा। ये हमारी एनिमेशन हो चुकी है। अब जो हमारी बैकग्राउंड है, इसमें जो स्टार्टिंग में वीडियो है हमारा, जो नॉर्मल वीडियो है वो लाइट है, और जिस टाइम हमारा करेक्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है तो ये एकदम से डार्क हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें जो हमने कलर ग्रेडिंग करी है इसकी, उसे हमें की फ्रेम करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाऊँगा, उसमें लोमेट्री कलर में जाऊंगा, उसमें जाऊंगा मैं बेसिक करेक्शन में। बेसिक करेक्शन में मैंने जो इसकी वैल्यूज चेंज करी थी वो चेंज करी थी एक्सपोजर की। तो जहाँ पे अनिल कुमार की जो हमारा टाइटल है उसकी एनिमेशन ख़त्म होती है, मैं उस पॉइंट पे जाकर जो एक्सपोजर वैल्यू है उस पर की फ्रेम करूँगा, और इसकी जो सेचुरेशन वैल्यू जो हमने चेंज करी थी उस पर की फ्रेम करूँगा। अब मैं इसके इन पॉइंट पर जाऊँगा, स्टार्ट पॉइंट पर, वहाँ पे जाकर इन दोनों वैल्यूज़ को मैं रिसेट कर दूँगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट कर दूँगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दूँगा। ये डिफ़ॉल्ट पे जो है की फ्रेमिंग अपने आप हो जाए। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो बाहर की तरफ स्केल हो रहा है, लेकिन जो हमारा टाइटल है वो स्टिल है। तो मैं अपने टाइटल को भी जो है एनिमेट करूँगा, उसकी स्केलिंग एनिमेट करूँगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके ट्रांसफॉर्म में जाना है, और इसके इन पॉइंट पे मुझे
स्क्रीन पे की फ्रेम करना है और थोड़ा आगे जाकर जहाँ तक हमारे करेक्टर की एनिमेशन है वहाँ पे उसके अमाउंट पॉइंट पे जाकर इसके स्केल को हमने थोड़ा सा जो है उसकी वैल्यू बढ़ा देनी है। ये जो स्केलिंग है ये लेफ्ट साइड को जा रही है, इसलिए मुझे इसका जो एंकर पोजीशन है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा लेफ्ट करूँगा तो जो इसका एंकर है वो अनिल की तरफ आ जाएगा जो कि हमारा सब्जेक्ट है। और ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है अपने वीडियोस के लिए या अपनी किसी भी शॉर्ट फिल्म या म्यूज़िक वीडियो पे करेक्टर एनिमेशन यानी कि करेक्टर इंट्रोडक्शन सीक्वेंस बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।